आपको याद होगा कि पिछले वर्ष ईरान में हिजाब के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुए थे। महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए इन प्रदर्शनों में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोगों को सजाए मौत मिली और हजारों लोगों को ईरान की कट्टर सरकार ने जेल में डाल दिया था। ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन एक ऐसे दौर में पहुंच गया था जिसमें ईरान जलने लगा था। ईरान की कट्टर सरकार ने आंदोलन और प्रदर्शन को कुचलने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। इसके बावजूद सड़कों पर डटी महिलाएं पीछे हटने को तैयार नहीं थी। अब एक बार फिर ईरान की कट्टर सरकार महिलाओं को लेकर सख्त हो गई है। ईरानी संसद ने इससे संबंधित एक बिल पास किया है। इस बिल में महिलाओं और पुरुषों दोनों के कपड़ों को लेकर एक ड्रेस कोड लागू करने की बात है, यानी ईरान में महिलाओं के साथ साथ नए नियम पुरुषों पर भी लागू होंगे। इस विश्लेषण में हम आपको सबसे पहले यही बताएंगे कि ईरान की संसद ने जिस बिल को पास किया है उसमें क्या है और क्यों इसे ईरान की महिलाओं की आजादी छीनने वाला बताया जा रहा है। इस बिल के मुताबिक ईरान में नया ड्रेस कोड लागू होगा। नया ड्रेस कोड महिलाओं के साथ पुरुषों पर भी लागू होगा। इस बिल के मुताबिक महिलाओं के टाइट कपड़े पहनने पर बैन होगा। महिलाएं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती जिसमें शरीर का अंग दिखे। महिलाएं अगर बिना हिजाब के पकड़ी जाती हैं और दोषी पाई जाती हैं तो 10 साल तक की सजा होगी। पुरुषों को भी नए ड्रेस कोड के हिसाब से कपड़े पहनने होंगे। पुरुषों को ऐसे कपड़े पहनने पर रोक होगी जिसमें उनका सीना या फिर टखनों के ऊपर का हिस्सा दिखता हो। ईरान की कट्टर सरकार इस बिल को ऐसे समय में लाई है जब महसा अमीनी की मौत की बरसी पर महिलाओं की नाराजगी फिर सामने आई। ईरान सरकार के इस कदम से साफ है कि यहां की कट्टर सरकार की सोच में महिलाओं को लेकर कोई फर्क नहीं आया है। ईरान की संसद ने जिस बिल को पारित किया है उसे अब गार्जियन काउंसिल के पास भेजा जाएगा। ईरान में गार्जियन काउंसिल मौलवियों और लीगल एक्सपर्ट का एक समूह है। गार्जियन काउंसिल की तरफ से पास होने के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। संसद में इस बिल के समर्थन में 152 वोट पड़े तो विपक्ष में 34 वोट पड़े। इनके अलावा 7 सांसदों ने वोट नहीं किया। आपको याद होगा पिछले वर्ष ईरान में हिजाब के विरोध में महिलाओं ने बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर अपने बाल काटे थे। महिलाओं ने अपने हेड स्कार्फ में आग लगा दी थी। ईरानी महिलाएं वेस्टर्न ड्रेस में सड़कों पर उतर आई थी। इस विरोध प्रदर्शन के आगे इस्लामिक सरकार बेबस हो गई थी। पहली बार ईरान में महिलाओं ने सरकार के खिलाफ इतने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया था। इससे इब्राहिम रईसी की सरकार भी बैकफुट पर आ गई थी। इसीलिए अब नए बिल को लाकर महिलाओं को एक बार फिर बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश की गई है ताकि आगे से सरकार के खिलाफ कोई भी महिला आवाज ना उठाए। इसीलिए जिस बिल को ईरान की संसद ने पास किया है उसमें सजा को भी बढ़ाया गया है। प्रस्तावित कानून में सजा को बढ़ाकर 10 साल किया गया है जो पहले 10 दिन से 2 महीने थी। ईरान में पहले कोई महिला हिजाब नहीं पहनती थी तो उस पर 100 से 800 रुपए तक का जुर्माना लगता था, लेकिन नए बिल में 3 लाख से 6 लाख रुपए तक के जुर्माने की बात कही गई है। इनके अलावा मीडिया, एनजीओ या विदेशी सरकार के साथ मिलकर अश्लीलता को बढ़ावा देने या हिजाब का मजाक उड़ाने वालों को जुर्माना और जेल तो होगा ही, साथ ही उन वाहन मालिकों पर भी जुर्माना लगेगा जिसमें बिना हिजाब के महिलाएं यात्रा कर रही होंगी। ईरान एक इस्लामिक देश है और इस देश में महिलाएं आवाज उठाएं ये यहां की कट्टर सरकार को पसंद नहीं है। संसद में इस बिल के पास होने के बाद ईरान में एक बार फिर महिलाओं की आजादी को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है। ईरान में हिजाब को लेकर वहां की कट्टर सरकार ने क्या कदम उठाया है इसको लेकर मैंने आपको बताया, लेकिन दुनिया में सिर्फ ईरान ही ऐसा देश नहीं है जहां हिजाब को लेकर सख्त नियम है। दुनिया के कई देशों में हिजाब बैन है। 2 दिन पहले ही स्विट्जरलैंड ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 20 सितंबर 2023 को स्विस पार्लियामेंट के निचले सदन ने इस पर मुहर लगाई है। इसके मुताबिक स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थानों पर नाक, मुंह और आंखों को ढकने वाले बुर्के को पहनना गैर कानूनी माना जाएगा। ऐसा करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी करीब 92,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही स्विट्जरलैंड उन यूरोपीय देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने बुर्के को प्रतिबंधित कर रखा है। इससे पहले फ्रांस, बेल्जियम
ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया और नीदरलैंड जैसे देश इस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। यूरोप के बाहर चाइना और श्रीलंका में भी बुर्के पर प्रतिबंध है। इतना ही नहीं, कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने बुर्के को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। इन देशों में तुनिशिया, अजरबैजान, लेबनन, सीरिया और कोसोवो जैसे मुस्लिम देश हैं जहां बुर्के को लेकर कड़े नियम मौजूद हैं। यानी दुनिया के कई देश बुर्के के खिलाफ हैं और वहां इसको लेकर नियम भी बनाए गए हैं। बल्गेरिया में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा के ख्याल से सरकार ने चेहरा ढकने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। ईरान की इस्लामिक सरकार ने एक बार फिर महिलाओं की आजादी छीनने के लिए नए कानून का दाव खेला है, लेकिन ईरान की महिलाएं अपनी जिंदगी और आजादी के लिए लड़ रही हैं। आजादी उस हिजाब से जो उन्हें जबरदस्ती पहनाया जा रहा है, आजादी उस सोच से जो उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बना देता है, और आजादी उस सामाजिक बेड़ियों से जो उन्हें जकड़ कर रखती है। Z News.